हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होली का त्योहार हो और घर पर दही वड़ा ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एकदम स्पॉन्जी दही वड़े की रेसिपी। यहाँ पे मैंने पहले से भिगोई हुई उड़द की दाल ले ली है। ये नाप से 2 कटोरी उड़द की दाल है। इसे हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। पीसते समय हमें एक बात का खास ख्याल रखना है कि हम इसमें बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर फिर भी आपको पीसने में दिक्कत आ रही है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा है और आप देख सकते हैं ये कैसा पीस के तैयार हुआ है। इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और हाथों को अच्छे से साफ करके हम इसे फेंटना शुरू करेंगे। लगभग इसे 10 से 15 मिनट तक फेंटना है। इस स्टेप को आप बिल्कुल स्किप ना करें, इससे वड़े बहुत ही स्पॉन्जी और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। दस से 15 मिनट बैटर को फेंटने के बाद यहाँ पे मैं एक छोटी सी कटोरी में पानी ले रही हूँ। इसमें थोड़ा सा बैटर डालना है और आप देख सकते हो ये बैटर कैसे पानी में फ्लोट कर रहा है। बस यही साइन है कि अब हमारे वड़े एकदम स्पॉन्जी और फूले फूले से बनेंगे। बैटर में मैंने पहले नमक नहीं डाला था। अब जब हमें वड़े तलने हैं तो इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिला लेना है और फिर चलेंगे हम फटाफट से वड़े बनाने। मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है जब हम वड़े बनाते हैं तो बैटर हमारे हाथ में चिपक जाता है और वड़े को हम अच्छे से शेप नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज करनी है, अपने हाथों को पानी में भिगो लें और आप देखोगे आप वड़े को मनचाहा शेप दे पा रहे हो और ये बैटर आपके हाथों में भी नहीं चिपकेगा। ऐसे ही गोल गोल से वड़े बनाकर हम सभी वड़ों को डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे वड़ों को बहुत ज्यादा देर के लिए डीप फ्राई नहीं करना है, बस हल्का गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तब तक के लिए ही हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए वड़ों में अब एकदम परफेक्ट कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और साइड रख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे वड़ों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हमें चाहिए एक पतीले में हल्का गर्म पानी, जिसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। दोस्तों चाट मसाला से वड़े में बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो इसे आप एकदम स्किप मत करना। इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब हम एक एक करके इसमें सारे वड़े डाल देंगे। इस गर्म पानी में हमें वड़े को 12 से 15 मिनट के लिए डिप करना है ताकि वड़े जो है वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाएं और पानी को अच्छे से सोख ले। जब तक वड़े पानी में है तब तक हम फटाफट से दही वड़े के लिए दही तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे से फेटी हुई दही ले ली है। आपको दही को अच्छे से फेटना है, इसमें थोड़ा सा भी लम्स नहीं रहना चाहिए। फिर डाल रही हूँ मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच शक्कर। इसे अच्छे से मिला लेना है जब तक शक्कर दही में घुल ना जाए। फिर डाल रही हूँ मैं इसमें 1 छोटा चम्मच काला नमक, साथ में ही स्वाद अनुसार नॉर्मल नमक। इन दोनों चीजों को अच्छे से हम मिला लेंगे दही में। और फिर दही को एकदम ठंडा ठंडा और चिल्ड बनाने के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आइस क्यूब्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट मैं जब भी दही वड़े बनाती हूँ आइस क्यूब जरूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे अपने दही वड़े की दही एकदम ठंडी ठंडी और चिल्ड पसंद है। दही वड़े के लिए दही तो बनकर तैयार है। अब चलते हैं हम फटाफट से वड़े की ओर। ये देखिए वड़े को पानी में डूबे डूबे लगभग 12 से 15 मिनट हो गया है और इसने अच्छे से पानी को सोख लिया है। हमें इसे हल्के हाथों से पानी से निकालना है और हल्का हल्का निचोड़ना है। बहुत ज्यादा प्रेशर हम नहीं लगाएंगे वरना वड़े जो है वो फट जाएंगे। ये देखिए जैसे मैं हल्का हल्का इसे निचोड़ रही हूँ, आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। सभी वड़ों को ऐसे ही हल्के हाथों से निचोड़ निचोड़ के पानी से निकाल लेना है।
ये देखिए यहाँ पे वड़े को मैं दही में डिप कर रही हूँ और फिर इसे दही से निकालकर हम प्लेट में सजा लेंगे और फिर करेंगे हम प्लेटिंग। आप वड़ों को पानी में डिप करके निकाल लें और इसे आप 4 से 5 दिनों के लिए आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। साथ ही आप दही भी बनाकर रख सकते हैं, फिर जब भी आपके घर में मेहमान आए आप फटाफट से दही वड़े बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने वड़ों को दही में डिप कर लिया है, अब चलते हैं हम फटाफट से प्लेटिंग करने। ये देखिए दही वड़े के ऊपर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ खूब सारी दही। अच्छे से इसे सभी दही वड़ों के ऊपर फैला फैला कर डाल देना है। फिर डाल रही हूँ मैं इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, फिर डालना है इसमें लाल मिर्च पाउडर। आप इसे अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। और अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप बच्चों को दही वड़े सर्व कर रहे हैं तो इसे एकदम स्किप कर दें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी, इसे भी सभी दही वड़ों के ऊपर अच्छे से फैला कर डाल देना है। साथ साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें हरी चटनी। ये सारी चटनी मैंने पहले से ही बनाकर तैयार करके रख ली थी। आप देख सकते हैं दही वड़े की ये थाली एकदम रंग बिरंगी बनकर तैयार हो रही है। होली के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। इसमें थोड़े से रंग और ऐड करने के लिए मैं डाल रही हूँ अनार के दाने और बस तैयार है दही वड़े की एकदम मजेदार रेसिपी। इस दही वड़े को आप इस होली अपने घर पे जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दही वड़े तो बनकर एकदम तैयार है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज के लिए।